we shall important topic parts of speech, and in parts of speech we were discussing pronoun. Pronoun means सर्वनाम. हिंदी में इसे अपन सर्वनाम नाम से जानते हैं. इंग्लिश में इसकी अपने डेफिनेशन की थी. प्रोनाउन का मीनिंग हो गया कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं. हमें टोटल प्रोनाउन के टाइप्स ध्यान में होने चाहिए और क्या क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक हम प्रोनाउन के अंदर करते हैं तो हम प्रोनाउन के टाइप्स के अंदर करेंगे. तो प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन टॉपिक बेसिकली सीधा सीधा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेसिक आपकी इम्प्रूव करेगा, आपको भी हेल्प मिलेगी तरह से ग्रामर के अंदर करेक्ट यूज करना है, वर्ड्स के अंदर डिफरेंस करना है, ये सब चीज़ें हैं. तो इसकी डेफिनेशन कर चुके. प्रोनाउन इज अ वर्ड used in place of a noun. Pro means for a noun. It means ये अपन बिल्कुल short सी definition लिखी थी. Pronoun is a word used in place of noun. In place of के स्थान पर, of noun संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम. अब अपन इसके डिस्कस करते हैं कि मेन कौन कौन से टाइप हैं और इन टाइप के अंदर आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी हैं. तो कल हमने डिस्कस किए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा? There are three persons. How many persons are there? Three. First person, second person, and third person. First person is the person speaking. जो बोल रहा है वो first person है. Second person is the person से हम बात कर रहे हैं, second person होता है. And third person is the person of. यानी जिस जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं के बारे में हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन. इसके टोटल टाइप हमने पढ़ लिए थे. ये टेबल आप हमेशा याद रखना. आई में नेक्स्ट जब अपन पजेसिव केस की बात करते हैं तो दो बनते हैं, माई एंड माइन, और ऑब्जेक्ट में बन जाता है ये मी. तो इसमें जो फर्स्ट केस रहता है माई, वो पजेसिव एडजेक्टिव रहता है, क्योंकि इसके बाद में क्या आता है? नाउन. वी की फॉर्म यदि अपन डिस्कस करें, वी आवा आवास एंड अस, इस टू आर फर्स्ट पर्सन. ये दोनों के दोनों फर्स्ट पर्सन हैं, पर्सन स्पीकिंग बोलने वाले हैं. प्लूरल है तो अपन किसका यूज करते हैं? आई का. प्लूरल है तो हम यूज करते हैं वी का. और इस वी वाले पजेसिव माई वर्ड जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव बनता है, क्योंकि इसके बाद में क्या आता है? कोई ना कोई नाउन. सेकंड पर्सन में हमने डिस्कस किया यू, यू आर, योर्स, और उसके बाद में वापस यू. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म में सेम रहता है, और यू का जो पजेसिव है योर एंड योर्स रहता है, और सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हम यू का यूज करते हैं. यदि हम सेकंड पर्सन में एक को डिनोट करेंगे तो भी हम किस करेंगे? यू. और एक से ज्यादा को मैंने आपको इंडिकेट करना है तो भी मैं क्या बोलूंगा? लेकिन वर्ब हमेशा यू साथ आती है, बहुवचन आती है. यू चाहे एक के लिए भी लगा रहे हैं तो भी हम यू इज नहीं कहते, क्या कहते हैं? यू आर कहते हैं. यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों में है. फर्स्ट पर्सन अलग अलग था, ऊपर वाला सिंगुलर था, वी प्लूरल था. इसी तरह से जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में
फॉर मेल सिंगुलर एक वचन, यदि पुरुष है तो कहते ही, हिज, हिज की पजेसिव की दोनों फॉर्म हिज रहती हैं और हिम, यानी पजेसिव एडजेक्टिव में भी ये हिज रहता है, पजेसिव प्रोनाउन में भी ये हिज रहता है। इसके बाद में फीमेल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, शी, हर, हर्स एंड हर। फीमेल के लिए इसमें डिफरेंस है मेल और फीमेल का भी पर्सन। इसके बाद हम यूज करते हैं इट, इट में इट्स और ये फॉर्म नहीं होती, और लास्ट इट, यानी पजेसिव में इसकी प्रोनाउन फॉर्म नहीं पाई जाती। बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन फोटो होता है, और लास्ट में ये तीनों के तीनों ही, शी एंड इट, ये तीनों सिंगुलर हैं, प्लूरल हमारे पास में एक ही फॉर्म है दे, ये कॉमन है चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन यदि प्लूरल है तो हम दे का यूज करें, दे, देयर, देयर्स एंड देम। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए पर्सनल। सबसे पहले इंग्लिश का बेस यही पता होना चाहिए कि हम पर्सन के लिए कौन सी फॉर्म, इस फर्स्ट तो जितने भी हैं ये सब। कर्ता कारक को कहते हैं नॉमिनेटिव केस, ये जो सभी के सभी हैं पहले वाले, इन सभी का जो केस होता है ये अपन बोलते हैं नॉमिनेटिव केस में होते हैं। ये नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक। ईच की जितनी भी फॉर्म्स हैं ये वाली, इनका केस कौन सा होता है, ये पजेसिव हैं। अब पजेसिव के अंदर जो पहला ग्रुप है वो तो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव है ये, और ये पजेसिव प्रोनाउन है, और लास्ट वाला है ये वाला जो केस जितने भी इस, ये सब के सब ऑब्जेक्ट। अब कई बार हमें ये दिक्कत आती है जब आप पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस करते हो, आपको ये जो है वो सब्जेक्ट केस में है या ऑब्जेक्ट केस। तो सिंपल सा रूल ध्यान रखना, यदि यू का यूज वर्ब से पहले है तो क्या है, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद में है क्या है, ऑब्जेक्ट। जैसे अपन ये लिखें आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। अब यहाँ पे जो ये यू है वो वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और यदि अपन ये लिखें यू विल गो, यहाँ पे यू से आ रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट है, यानी नॉमिनेटिव केस है। तो ये सिंपल से अपने प्रोनाउन। इसके बाद हम पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन से, हालांकि प्रोनाउन का एक टाइप पजेसिव प्रोनाउन भी है, पजेसिव प्रोनाउन है, अपने इसको अलग से लिखें। पजेसिव प्रोनाउन को हम क्या लिखेंगे, पजेसिव प्रोनाउन में हम जितने भी पजेसिव हैं हमारे पास बात करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, अब देखो फर्स्ट पर्सन में क्या है पजेसिव प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन आई का क्या बनेगा, माई नहीं बनेगा, क्योंकि माई के बाद हम माई का घर है, और यदि अपन लिखे हाउस माइन के बाद में तो ना होता है, माइन जो होता है वो तो होता है प्रोनाउन। माइन के बाद में फर्स्ट पर्सन में दूसरा होता है, अपन बोलते हैं। इसके बाद ये दोनों फर्स्ट पर्सन हो गए, अब सेकंड पर्सन
पजेसिव प्रोनाउन होता है कौन सा? योर्स। और ये मैंने आपको कल भी बताया था, एप्लीकेशन लास्ट में योर्स पर कोमा नहीं आता, इसमें और योर्स लिख कैपिटल योर्स, ये सेकंड पर्सन का। अब थर्ड पर्सन में हिज है वो पजेसिव प्रोनाउन, हिज के बाद में नाउन आ भी सकता है और हिज के बाद में नाउन कई बार एग्जाम के अंदर है। ऑफ द फॉलो टेंसेस आर करेक्ट, कौन सा नीचे है या नहीं है। यहाँ पे जैसे दो तीन सेंटेंस दे दिए जाएं, जैसे लिखा कि दिस हाउस इज हिज, नेक्स्ट अपन लिख दे दिस इज हिज हाउस, इसके बाद अपन इसको यूज करें दिस इज माइन हाउस, और एक दिस हाउस इज माइन। क्वेश्चन है आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इनमें से ए बी सी एंड डी, विच ऑफ द फॉलोइंग सी, तो सी क्योंकि हमने किसका यूज किया, माइन क्या था पजेसिव प्रोनाउन, और पजेसिव बाद हम इस तरह आज का हम राजस्थान के अंदर अपने एक एक क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करेंगे। तो माइन जो है, माइन अकेला आएगा, ये होना चाहिए था, ये आप ध्यान में रखिए। इसके बाद में हिज, हिज के साथ में दूसरा पजेसिव थर्ड पर्सन में कौन सा आता है, हर्स, हर नहीं आता है, और इसके बाद में आता है द इयर्स। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, हमें प्रोनाउन इसके बाद देखिए, जैसे ये पर्सनल हो गया, प्रॉब्लम नहीं है कि आपके याद रह जाए। इसके बाद थर्ड पर्सनल का हुआ रहता है। अभी हमने पढ़ा कि जितने भी पर्सनल इनकी सेल्फ फॉर्म का मतलब अपना सेल्फ और सेल्वज वर्ड भी इनके साथ जुड़ के एक फॉर्म बनाते हैं, उनको हम सेल्फ प्रोनाउन बोलते हैं। अब इस पर अपन सेल्फ प्रोनाउन में दो टाइप इसके पड़ेगल लास्ट के अंदर रहे थे, एक मैंने आपको बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और एक मैंने आपको फॉर्म बताई थी इम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एटिक प्रोनाउन। अब जो रिफ्लेक्सिव पर्सनल, अब जैसे अपन फर्स्ट पर्सन में आई का जो फॉर्म है आई माई माइन मी, और उसके बाद में सेल्फ लगा सकता है माई सेल्फ,
फर्स्ट पर्सन में लगता है ये माई सेल्फ। अब बी आवर और उसमें किस लगेगा आवर एल्वज आवर सेल्वज, क्योंकि ये देखो सेल्फ है सिंगुलर फॉर्म में है, एक था तो सेल्फ लगा, अब सिंगुलर को जो प्लूरल के साथ में लगा एफ हट जाता है, एफ की जगह हम क्या लगा देते हैं बी ई एस आवर सेल्फ। अब ये फर्स्ट पर्सन हो गए, सेकंड पर्सन में देखो इसकी फॉर्म क्या होगी, सेकंड पर्सन में अपन क्या लिखते हैं है ना, तो योर सेल्फ में सिंगुलर फॉर्म भी होती है, अपन इसको योर सेल्फ भी लिखते हैं और हम इसको योर सेल्वस भी लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए पाया जाता है सेल्फ। अब थर्ड पर्सन बात करें, थर्ड पर्सन पहला सेल्फ हिम सेल्फ में, अब ये ध्यान रखना सी में तो ये यहां भी पजेसिव या यहां भी पजेसिव में लग गया लग रहा है हिमसेल्फ, हिमसेल्फ के बाद में हर सेल्फ बाद में इट सेल्फ और एक हो गया आपके पास में देम सेल्वज, ये प्लूरल है आई सेल्फ हर सेल्फ, ये जो सेल्फ प्रोनाउन सेल्फ का है अपने, तो जो सेल्फ प्रोनाउन है इनको हम रिफ करते हैं और इनको हम अब रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना वापिस, जब सेल्फ फॉर्म कुछ हो एज ए ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में जो सेल्फ फॉर्म है वो किसकी तरह यूज होती है ऑब्जेक्ट की तरह, कर्म की तरह, तब ये ऑब्जेक्ट की जगह आपको ये वर्ड मिलेंगे जितने भी, तो वहां पे और जब यही फॉर्म ऑब्जेक्ट है ना मिले या तो जस्ट सब्जेक्ट के पास में मिले यहाँ पे और या ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट के पास में मिले, या तो सब्जेक्ट के पास या ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट खुद नहीं बनेंगी। एक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है और मैं वो इसमें खुद नहीं ऑब्जेक्ट ना ही खुद सब्जेक्ट बने, लेकिन सब्जेक्ट पास में ये भी इसमें देखो जैसे रिफ्लेक्सिव बोल दिया था, अपन यदि कहें आई killed myself, I killed myself, मैंने अपने आप को, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया I, वर्ब क्या होगी हमारे पास में killed और myself क्या है, तो जब ये सेल्फ सब्जेक्ट बने पता चल जाता और इम्फेटिक क्या होता है, इम्फेटिक के अंदर अपन ये लिख सकते हैं आई माई सेल्फ किल्ड, आप क्या मार आई माई यहाँ पे क्या मारा है, तो यहाँ कोई भी लिख सकते हैं आई माई सेल्फ किल्ड अ माउस, तो यहाँ पे क्या है कि आई क्या हो सब्जेक्ट माई सेल्फ सब्जेक्ट के पास में
किल्ड, मैंने अपने आप ने ए माउस इसका मतलब इम्फेटिक का मतलब क्या होता है, दबाव देना, मैंने अपने आप ने क्या ना इसमें ज्यादा ग्रामेटिकल क्या चीजें ध्यान में रख यही आती है जब आई के लिए आप तो आई की फॉर्म ही होनी चाहिए आई आई ये ध्यान में। अब यहां भी आई आ रहा है कर रहे हैं ये आपने ध्यान रखना है कि दो फॉर्म सेल्फ सेल्फ तो रिफ्लेक्सिव ज्यादा प्रॉब्लम तो ये पर्सनल टाइप पहला पर्सनल प्रोनाउन था हमने पढ़ा पजेसिव प्रोनाउन इसके बाद में रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिव तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं पांच नंबर जो टाइप है प्रोनाउन का उसमें हम बात करते हैं दो बिल्कुल एक जैसे प्रोनाउन जहां पे आप बार बार कंफ्यूज एक तो होता है नेटिव प्रोनाउन नेटिव प्रोनाउन इसमें काफी क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट है ये नेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ में ही रहता है वो रहता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक और रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु whom के बाद में which and ये तो सारी whom है who which which इंटरोगेटिव जान लेते हैं अपन इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं who whose whom which and what एक ही प्रोनाउन का डिफरेंस है who whom which that ये सारे के सारे ये who whose whom ये जो वर्ड बाकी तब तो होते हैं ये काम करेंगे इसमें क्या मिलेगा आपको हमेशा आई नो लेकिन ये अपने पहले क्वेश्चन फॉर्म में जैसे कि अपन इसको एग्जांपल से देखते हैं मैंने लिखा आई आई मेट रमेश हू वॉज माई क्लासमेट आई मेट रमेश मैं मिस्टर रमेश से मिला हु वॉज माई क्लासमेट क्या यहाँ पे कोई जब प्रश्नवाचक चिन्ह ये वाक्य के बीच तो यानी ये हु वर्ड इससे पहले आने वाले शब्द के आई मेट मिस्टर तो
जो मेरा, यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें ध्यान रखने, इसमें जो ये वर्ब आती है, ये वर्ब जो आ रही है ये किसके अकॉर्डिंग आ रही है, इस सब्जेक्ट के अंदर, कर्ता के। अब जो सेकंड वर्ब है होता है, कई बार हम ये सोचते का यूज इसके लिए हुआ, वो का यूज इससे जस्ट पहले होता है, और ग्रामर की लैंग्वेज के अंदर हम इसे कहते हैं एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती। इसका एंटीसीडेंट, तो ये रमेश के अकॉर्डिंग हमने वॉज लगाई, क्या लगाते वाले सेंटेंस। तो पहले आप इसकी ना तो ध्यान का यूज होता है, हम मोस्ट पर्सन। अब हु की तीनों फॉर्म यदि अपन लिखेंगे तो हु, हुज एंड एंड, इसी तरह से। अब ये तो हो गया पर्सन्स के लिए, व्यक्तियों के लिए आप यूज करोगे। और यदि मैं लिखूं कि विच, विच किसके लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए का यूज करते हैं अपन। पजेसिव फॉर्म कौन सी होती है, विच की पजेसिव। अब विच की पजेसिव फॉर्म होती है ना, वो होती है या तो ऑफ विच और या हुज, सेम हु वाली, सेम, ठीक है। और लास्ट के अंदर ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या बन जाता है, विच, सेम रहता ही। इसी तरह से हमारे पास में है दैट। अब विच का यूज हमने किस किया, एनिमल्स के लिए। इसके बाद में हमारे पास में नेटिव प्रोनाउन जो है दैट। अब दैट की ये फॉर्म कौन सी होती है, सिंगुलर ऑफ विच, सेम ही रहती है ऑफ विच। और यहाँ पे कौन सी फॉर्म बनती है, या हुज लगा दो आप, और वापिस यहाँ पे दैट। वापिस किस फॉर्म का यूज होता है, दैट का यूज होता है। ये आपने ध्यान रखनी है, पहले तो इस पे फॉर्म्स पता होनी चाहिए, ताकि फॉर्म यदि हमें पता है तो हम कभी भी के अंदर मिस्टेक ना करें। अब जब भी आपको पर्सन के लिए यूज करना है तो आप किसका यूज करेंगे, हु का। पर्सन्स के लिए किसका यूज करेंगे हम, हु का। और एनिमल्स के लिए करना है तो ओनली विच का ही करना है। और यदि आपको करना है यूज थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए, तो किसका यूज कर सकते हो आप, दैट का यूज, दैट का। अब दैट का यूज थिंग्स के लिए भी होता है और इसके साथ में पर्सन्स के लिए भी होता है, व्यक्तियों के लिए और थिंग्स के लिए, दोनों के लिए हम दैट का यूज कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख, इसकी तीन फॉर्म है। अब कैसे यूज हो, आई, जैसे अपने यहां पे लिखा है आई मेट मिस्टर रमेश, यहां पे तो लिख दिया हु वॉज माई क्लासमेट, यानी हु सब, यहां पर कुछ आई सी इसकी, हुज का मतलब किसका नहीं है, स्टार्टिंग में हु आता है तो क्या, कैन है वो कै में बदल, किसका स्टार्टिंग में।
इसे, स्टार्टिंग में तो इसे, और बीच में आता है तो, और इसी तरह से स्टार्टिंग में इसी तरह से एट है। एट बस थोड़ा सा ज्यादा है, और हम दैट को पर्सन और थिंग्स, एनिमल्स के लिए किसको यूज करना है आपने हमेशा को, और ओनली पर्सन के लिए किसको यूज करना है? अब पर्सन क्या है, आप हु दैट यूज कर, लेकिन यदि हमें दे दिया नॉन लिविंग कोई भी, टेबल दे दिया, चेयर दे दी, अब उस ध्यान रखना का यूज होगा, और इसमें वर्ब एंटी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें तो क्या है, जब ये सारे के सारे पूज होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, अब यहाँ पे अपने हु का ये यूज देखा, यदि अपन यहाँ पे लिखते हैं हु इज योर क्लास टीचर, हु इज योर क्लास टीचर, अब यहाँ पे हु का काम क्या है, प्रश्न पूछ कि आपका क्लास टीचर कौन है, तो कौन है का मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा आएगा पर्सन का, और ये किसको रिलेट कर रहा है, हम किस नेमों पे इनके क्या के लिए होते हैं, तो ये दोनों की दोनों फॉर्म आपने करनी है। एटी पर अब जब भी अपने एन एन इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव एडवर्ब है और टॉपिक में सारे के सारे वर्ड कवर हो जाएंगे। ये दोनों करने के बाद रिलेटिव प्रोनाउन ध्यान रखना हर बार लगभग है, जैसे बहुत सी बार इसमें ज्यादातर यही आता है, आपको एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी आनी चाहिए, जैसे अपने ये लिखा कि जैसे अपन का एग्जांपल लेते हैं, रोज इज वन ऑफ द मोस्ट पल फ्लावर्स दैट आर एट आर अट्रैक्टिव ऑल्सो। अब यहाँ पे कुछ फ्लावर्स सबसे सुंदर फूलों में से रोज एक है, यहाँ पे बीच में हमने किसका यूज किया, दैट का। अब ये यहाँ पे हमने वर्ब क्या लगाई है, आर लगाई है, कई बार हमें लगता है रोज के लिए आ रहा है, रोज के लिए नहीं आता, यदि रोज के लिए आता तो हम क्या लगाते, इज, इज लगाते ना, आर क्यों लगाया, क्योंकि दैट इससे पहले वाला देखो बस जस्ट क्या आ रहा है, फ्लावर्स बहुवचन है ना, तो बहुवचन आते ही हम इस प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, और यदि अकेला आ जाए, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में वन ऑफ द बॉयज एब्सेंट, अब यहां पे अपने को वर्ब लगानी है, वन ऑफ द बॉय इज एब्सेंट, क्यों, यहां पे इस बॉयज के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगा रही, लड़कों में से एक, यहां पे महत्वपूर्ण कौन है, वन ऑफ द बॉयज नहीं है, क्योंकि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है कभी भी वर्ब को प्रभावित, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था आपको, आर अट्रैक्टिव के लिए आ रहा है, रेनबो के लिए, क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोस इज नॉट गुड, क्वालिटी के लिए आ रहा है, तो प्रेपोजिशनल प्रभावित
नहीं करती। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो इसके टाइप है इसको हैं, नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ा था कितने टाइप पढ़ लिए इसके, सिक्स हो गए है ना। अब सिक्स बाद सेवंथ जो इसका टाइप है उसके अंदर हम पढ़ सकते हैं, कल भी हमने देखा था इसको, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन ऐसे वर्ड जो होते हैं ना लेकिन नहीं कर, व्यक्ति की बात हो रही थिंग की, इसमें जैसे अपन यूज करते हैं, जैसे ये जो वर्ड हैं somebody, anybody, all, you, ये जो वर्ड somebody, कोई, अब कोई है तो किसी का नाम आपने, फॉर एग्जाम्पल मनीष, देश, कोई भी सरिता, तो हमने क्या लिखा somebody, एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई पता नहीं चल रहेगा बात, हम उनको हम करता है वन पे आता है, वन भी इनडेफिनेट प्रोनाउन करता हूं। इनडेफिनेट प्रोनाउन में हमें क्या करना होता है कि जो इनडेफिनेट प्रोनाउन हमें मिला है उसी के अकॉर्डिंग हमें पजेसिव फॉर्म का यूज करना होता है। जैसे मैंने लिखा एवरीबडी, एवरीबडी हैज लॉस्ट एवरीबडी हैज लॉस्ट, अब यहां पे अपने लिखा हिज, हर, माई, या अपन इसमें एक और ऑप्शन दे दें कोई भी, आवर्स दे, एवरीबडी हैज लॉस्ट। पहले तो कल भी हम पढ़े थे, बाद में अपने टाइम लिस्ट कल हमने पढ़ा था ना कि तो प्रोनाउन है ब्यूटी प्रोनाउन कौन कौन से, आइदर एंड, ये तीनों हमेशा रहते हैं। तो जब भी किसी वर्ड से पहले ईच या एवरी लग जाता है, आइदर या नाइदर लग जाता है, तो हम वर्ब कौन सी लगाते हैं, तो ये एवरी का मतलब है एक टाइम में हम एक की ही बात करेंगे। Everybody has lost, अब इसमें कौन सा आना चाहिए, his, her, I, आएगा। तो indefinite pronoun में हमेशा याद रखना जितने भी indefinite pronoun, everybody, somebody, every person, है ना, जो भी ये person जो भी आएंगे, हालांकि everybody में महिला भी हो सकती है, लेकिन हम जब यूज में फॉर्मल इंग्लिश पढ़ते हैं, है एक टाइम में एक को दिखाएगा, सिंगुलर ही वर्ब लगाई है हमने और सिंगुलर ही हम पजेसिव और एक क्वेश्चन जो काम में ये है कि जैसे अपन इस लिखें One must keep, ये question passive voice में भी आया हुआ है, इस form में भी आया हुआ है बहुत, one promise, one का मतलब प्रत्येक को, हर किसी को, one must keep, अब यहाँ पे possessive लगाना है तो आप क्या लगाएंगे, one's, his, her,
अब ये रखना, जब यहाँ पे इनके अलावा वन आए ना, वन का पजेसिव, तब वन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और पे यूज क्या है, प्रोनाउन है, और यहाँ पे हम अकॉर्डिंग की पजेसिव करते हैं। जैसे अपने पजेसिव प्रोनाउन पढ़े थे ना, जैसे इसमें वंस, तो हर किसी ऐसे बनाते हैं ना, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये इनडेफिनेट जो होते हट जाते हैं, अनइम्पोर्टेंट डेफिनेट नहीं होते, ये हट जाएगा तो ये भी, तो अपन सीधा लिखते हैं प्रॉमिस कैप्ट, वायदा पूरा हर किसी, कोई भी वायदा पूरा करना होगा, तो ऐसा हमें लिखने का, तो इनडेफिनेट डेफिनेट प्रोनाउन में कोई भी पर्सन के लिए इट करे, जैसे एनी बडी, सम बडी, एवरी बडी, तो हिज, यदि कोई को नोट करे एवरी एनीथिंग है ना, जाती है, लेकिन ये ध्यान रखना यदि वन आपको मिलता है ना, वन के लिए हम वंस ही प्रोनाउन में हमें कुछ नहीं होना। एक हमने कल पढ़ा था लास्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है के अंदर हम बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो ईच और एक आइदर एंड नाइदर, ये तीन हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। एट टू थिंग एट ए टाइम, एक बार में एक ही का, ईच वैसे ही दो वर्ड हैं, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव आपको बता, एवरी के बाद में क्या नहीं आता, आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पे तो अपने पढ़ सकते हैं, ये ध्यान रखना बाद में कोई नाउन नहीं आना चाहिए, ठीक है, तभी ये प्रोनाउन है। यदि अपने इसको ये लिख दें कि ईच गर्ल इज एक्टिव, ईच गर्ल इज एक्टिव, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि ईच के बाद में हमने क्या लगा दिया, गर्ल क्या है, नाम है ना किसी, तो जब भी इनके बाद में नाउन टॉपिक में सारे में रहे, जब भी नाउन के बाद में कुछ एडजेक्टिव बाद में यदि नाउन आएगा ना, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव बाद में करें तो सा रहेगा, और यदि अपन अकेला लिखें कि ईच वाज एक्टिव, हर कोई एक्टिव था, ईच आ रहे नाउन के, तब ये क्या है, और एवरी अकेला नहीं आता, एवरी के साथ में हम आ है, ये वो डिस्ट्रीब्यूटिव, और एक डिफरेंस भी ध्यान में रखना ईच और एवरी का, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, लिमिटेड नंबर, दो या तीन के लिए, लिमिटेड नंबर्स के लिए हम और लिमिटेड और इसको लिखें तो अपन लिख सकते हैं एवरी जो है
अनलिमिटेड मोर देन टू तीन से ज्यादा के लिए अपन ये लिख ईच ऑफ गर्ल्स वन प्राइस, दोनों में से प्रत्येक लड़की बात हो रही गर्ल्स तो हमने किसका यूज कर दिया ईच का, और यदि अपन लिखे एवरी इंडियन फैक्ट एक भारतीय को एवरी इंडियन बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया हो गया, ज्यादा लंबी बड़ी मात्रा की बात करेंगे तो किसका यूज करेंगे हम एवरी का यूज करेंगे, और अदरवाइज हम यूज करते हैं ईच और एवरी के अंदर डिफरेंस। लेकिन आइदर या नाइदर का इनके साथ में सिंगुलर ही तो वर्ब आती है और ये सिंगुलर की तरह ही हम इसको यूज करते हैं। और एक हमने लास्ट कल डिस्कस किया था, वैसे था लास्ट टाइप जो इसका है एग्जांपल आइदर नाइदर का, तो आइदर नाइदर का जैसे अपन ये लिखें नाइदर नाइदर हैज वन अ प्राइज, नाइदर हैज वन अ प्राइज, किसी ने पुरस्कार नहीं जीता है, नाइदर हैज वन, नाइदर हैज पास्ट, और आइदर का मतलब वो में से एक, दो के लिए चाहिए, आइदर कैन, आइदर कैन जा सकता है, आइदर कैन पास, तो ये अपने करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नौवां जो टाइप लास्ट टाइप जो इसका है उसे अपन बोलते हैं, कल मैंने करवाया भी था आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब हो गया पारस्परिक, पारस्परिकता से होता है रेसिप्रोकल का मतलब, पारस्परिकता का मतलब एक दूसरे कौन कौन से हैं, तो है एक तो है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। अब वही बात यानी एक लिमिटेड है एक अनलिमिटेड है, लिमिटेड नंबर के लिए आता है उसे क्या कहते हैं अपन तो मतलब दो तक की बात करते हैं, और वन अनदर में हम बात करते हैं जैसे अपन इसका एग्जांपल लिखें बोथ गर्ल्स liked other, और एक अपन लिखें boys helped one another, boys one another, girls liked, तो यहाँ पे both girls, तो both का मतलब हो गया हम both का use कितने के लिए कर, both girls दोनों जो girls हैं liked each, अब each other वैसे देखा जाए तो ये each girl liked दोनों, तो इसीलिए हमने किसका यूज किया each each other, और एक हमने लिखा वन, अब वन अनदर का मतलब यहाँ पे हमारे पास में सब्जेक्ट क्या है, boys का मतलब
लड़कों ने हेल्प सहायता की वन अनदर एक दूसरे। अब यहाँ इसका तो मोर देन कोई होते लेकिन यहाँ पे दो से ज्यादा हैं तो हमने किसका यूज किया वन। और ये जो होते हैं ये भी व्यक्त की तो आपके रेसिप लेकिन रेसिप तो रेसिप्रकल। अब जैसे यहां पे देखा जाए तो बॉयज क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, हेल्प्ड क्या हो गई यहाँ पे वर्ब हो गई, वन अनदर यूज किसके तौर पे है ऑब्जेक्ट के तौर पे है। लेकिन हम ऐसे सेंटेंसेस जो हैं उसका हम कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज नहीं कर सकते। इस बात का भी सभी ध्यान रखेंगे जब भी हमें ऐसा वाक्य पैसिव चेंज होने के लिए आए आपने सीधा सीधा क्या लिखा पैसिव पॉसिबल वो ऑप्शन हमें चूज इसको बनाने की कोशिश नहीं कि वन अनदर वॉज हेल्प्ड ना दें अपन तो सकते हैं वैसे बट कि वन अनदर वॉज हेल्प्ड वो करेक्ट नहीं होगा। तो ये आपके प्रोनाउन के टाइप हैं। एक प्रोनाउन के टाइप के अंदर हम कई बार एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी पढ़ देते हैं नॉट सो इम्पोर्टेंट क्या करते हैं सिंपल बट राम राम को नहीं मतलब व्यक्ति के लिए क्या यूज किया बट तो ये ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं ग्रामर की दृष्टि फॉर्मल इंग्लिश में भी आपके नहीं होता। मैंने कल आपको एक PDF सेंड किया था तो आप एक्सरसाइज जरूर करना बिना एक्सरसाइज के कोई भी टॉपिक निकलता जाएगा और उसके बाद आपको प्रॉब्लम ना आए। लास्ट जो का जो टाइप है ना जिसको अपन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो है उसके अंदर हम कई बार बट इत्यादि वर्ड का यूज करते हैं ऐसे नॉट सो इम्पोर्टेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं ग्रामेटिकल इंग्लिश आपको ये ऊपर वाले जो टाइप है आपको ध्यान में होने अब जैसे अच्छे करने का बार बार मौका भी नहीं मिलता आप प्रोनाउन टाइप्स डेफिनेशन ध्यान में आना चाहिए कि प्रोनाउन फॉर्म है अलग अलग आपको जानी चाहिए नाउन नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड टाइप्स देखो बहुत सारे टाइप तो पर्सनल प्रोनाउन से पर्सनल प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन के बाद में हमने कौन सा पढ़ा के बाद में जैसे पर्सनल प्रोनाउन हो गया अब पर्सनल प्रोनाउन के बाद हमने देखा जैसे सीधा हुआ पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म है इसके बाद में हमने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेक्ट ये भी पर्सनल प्रोनाउन से ही होता है। इसके बाद में हम सेल्फ प्रोनाउन के तौर पे भी इसको पढ़ा और इसके बाद में हम रिलेटिव प्रोनाउन आपस में थोड़ा सा ध्यान में रख लेना और इसके बाद इनडेफिनेट पर्सनल पर्सन को ही डिनोट डेफिनेट के अंदर भी और डिस्ट्रीब्यूट हम पर्सन को तीन पढ़े ई आइदर एंड नाइदर और इसके बाद लास्ट हमने ऐसी पर्सन को डिनोट करता है पर्सन को ईच अदर अन अनदर तो अनदर वर्ड है ना वो एन अदर का ही कंट्रैक्शन कल अपने पे
अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद में अपने कर लेंगे या अजेक्ट करते हुए हम जॉब पे पहुंचे सर दिन। हाँ आप रेगुलर अटेंड करे रखें, और यदि कोई है तो आप ऑनलाइन क्लास की ओर जाएं, अदरवाइज आप क्लास में ही आएं तो ज़्यादा। दैट्स ऑल।